हाय बच्चा लोग, सोम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। आज आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर 16। लेक्चर 16 में डिस्कशन है कांटेक्ट एंगल। अच्छा टॉपिक है। अब इस चैप्टर में ज़्यादा बाकी नहीं रहता है अपना। ये कांटेक्ट एंगल के बाद एक पूरा लेक्चर आएगा उस पर बबल पे, और एक लेक्चर आएगा कैपिलरी ट्यूब पे। चैप्टर ख़त्म। यस, तो अपने को कुछ जल्दी नहीं है। कॉन्टैक्ट एंगल है ना, आज पूरा समझेंगे, पूरा है कंप्लीट लेक्चर ऑन कॉन्टैक्ट एंगल। ये लेक्चर पढ़ने के बाद तुझे कहीं और देखना ही नहीं पड़ेगा। सारा स्मॉल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके सब छोटी छोटी डिस्कशन हम करेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट एंगल है क्या बला? ये जब भी कोई सॉलिड सरफेस पे लिक्विड कॉन्टैक्ट में आता है, सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आना, लिक्विड मतलब जैसे कांच का प्लेट है उस पर पानी गिरा दे, है ना, जैसे किचन का प्लेटफॉर्म है उस पर पानी गिरा होता है, या बहुत सी चीज़ें हैं यार, जैसे कपड़े के ऊपर पानी डाल दिया, जैसे शर्ट के ऊपर चाय का गिरना, ये सारा, जैसे वो लीव्स होती है ना, लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ के पत्ते, उसके ऊपर पानी की बौछार होना बारिश का, लोथ्स ऑफ मटीरियल्स से पानी पानी बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत हैंडी है, हमको याद रहता है क्योंकि रूटीन लाइफ में सबसे ज़्यादा पाला अपना पानी से पड़ता है। हाँ, लेकिन बहुत से मटेरियल्स हैं, मर्क्यूरी है, केरोसिन है, बहुत से लिक्विड हैं जिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आज ही के लेक्चर में ये सारा लिक्विड, बहुत सा लिक्विड ऐसा होता है जो सॉलिड सरफेस को बिगा देता है, मतलब इट वेट द सॉलिड सरफेस। लेकिन बहुत सा मटेरियल ऐसा होता है जो सॉलिड सरफेस को बिगा नहीं सकता है। जैसे झाड़ के पत्ते देख लो आप, जनरली जैसे कमल, लोटस का लीफ है, तो लोटस लीफ पे पानी छिड़को, ऐसा ही निकल जाएगा पानी, वो लीफ भीगेगा नहीं। लेकिन इस टी शर्ट पे पानी छिड़को, टी शर्ट भीग जाएगा, है ना, जैसा टी शर्ट के अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा लोटस के लीफ पे नहीं होता है। ये सब जो माया जाल है, सारा इस कॉन्टैक्ट एंगल की वजह से है। कॉन्टैक्ट एंगल समझ लिया तो पता चल जाएगा कि इस दुनिया में कौन सा लिक्विड किस सॉलिड को भिगोता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। ये जो भी लिक्विड है ना, जब भी सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो कर्व हो जाता है, कर्व शेप एक्वायर कर लेता है। जैसे देखो, ये रहा सॉलिड सरफेस, ये लिक्विड इस पर गिरा कुछ ना कुछ, तो ऐसा कर्व बन गया। कभी ऐसा भी बन जाता है कर्व, अलग अलग सिचुएशन होती है भैया। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये जो लिक्विड है और ये जो सॉलिड सरफेस है। अरे भाई साहब, ये लिक्विड है अपना, और ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ये क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस, सॉलिड सरफेस। ये क्या है अपना? सॉलिड सरफेस। हाँ, ये वाली जो जगह है, ये है कॉन्टैक्ट पॉइंट। इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से लिक्विड के सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। हाँ, लिक्विड के सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इधर या इधर। ए भाई, ये सॉलिड के सरफेस पे हो गया, ये नहीं चलेगा। अपन ने क्या बोला था? लिक्विड के सरफेस पे, तो ये हो गया। अरे इस साइड भी कर सकता है भाई, कोई मना नहीं है, ले कर ले, ले बस हो गया टेंजेंट ड्रॉ। अब ये टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल, तो देखो टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में एंगल इधर भी बनता है और इधर भी बनता है, लेकिन हम कौन सा एंगल को कॉन्टैक्ट एंगल समझे सर? जो अंदर वाला है वो। यस, इनसाइड द लिक्विड जो सरफेस है उसके साथ इस टेंजेंट का एंगल इसमें भी बनेगा। देख, से यहाँ से एक टेंजेंट बना ले भाई, ये बना टेंजेंट। अब अंदर का सरफेस तो ये रहा भी अंदर इधर। हाँ, ये हो गया अपना कॉन्टैक्ट एंगल। लेकिन कॉन्टैक्ट एंगल में कभी क्या होता है, जैसे देखो ये 90 से छोटा है तो अक्यूट एंगल हो गया, अक्यूट एंगल, क्यूट सा एंगल होता है ना, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। अलग अलग बनता है, कभी 90 भी बनता है, कभी जीरो भी बनता है, सारा कुछ है। लेकिन सबसे पहले इसका डेफिनेशन बनाते हैं, कैसे बन रहा है डेफिनेशन देखो। एंगल किसके बीच में बन रहा है? वो दो जनों के बीच में बन रहा है, एक तो ये रेड कलर का टेंजेंट और एक ये सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ये बाहर वाला नहीं, अंदर वाले सरफेस। तो
तो चलो डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन में ये सारा डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट एंगल। हो गया रे डेफिनेशन, हो गया। चलो लिखते हैं डेफिनेशन। एंगल दो जनों के बीच का एंगल है ये। एंगल बिटवीन व्हाट? एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू लिक्विड सरफेस एट कॉन्टैक्ट पॉइंट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड यस, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट एंगल। बोल, हो गया डेफिनेशन? मस्त आया, मजा रह गया ना याद यहीं पे? तो यही तो पढ़ाने का तरीका है सोम सर का, कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, घर पे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े। हाँ, ये कॉन्टैक्ट एंगल का डेफिनेशन हो गया। स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो आप। अच्छा, स्टार्टिंग वो वाला पॉइंट ले सकते हो क्या, कि व्हेन लिक्विड कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ सॉलिड इट एक्वायर्स कर्व शेप। वो एक ओपनिंग में ले लो पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट में डेफिनेशन डाल दो, है ना। अब पूरा एक एक नोट, पूरा एक एक क्वेश्चन इन दोनों पे बनाते हैं कि भाई एंगल ऑब्ट्यूस क्यों बना, उस पर पूरा डिटेलिंग करते हैं। वो खत्म हो जाएगा, फिर दूजा कि एंगल अक्यूट क्यों बना, उस पर डिटेलिंग करेंगे। तो बोला तो था कॉन्टैक्ट एंगल पे अ कंप्लीट लेक्चर। तो चलो अब ये मिटाऊंगा मामला, और पहला जो डिटेलिंग है ऑब्ट्यूस एंगल पे करते हैं। आपका स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा? हाँ, चलो आ जाओ। बढ़िया थियरी है भाई, मज़ेदार तो है। चलो देखो, ये रहा सॉलिड सरफेस। ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है तो बना ले यहाँ से। ये बन गया तेरा टेंजेंट, ये बन गया थीटा, ठीक है। ये हो गया कॉन्टैक्ट पॉइंट। अब बच्चा लोग, पहले तो ये मटेरियल कौन सा है सर, तो बता दूं। ये जो सॉलिड सरफेस दिख रहा है ना, जो तुझे बिछा हुआ प्लेट जैसा, ये तेरा लोटस का लीफ है, समझ ले, लोटस लीफ, जो अभी सॉलिड है, ठीक है। और ये जो है ना, ये क्या है, वाटर, जो अभी लिक्विड का काम कर रहा है। और ये जो बाहर इधर कौन है, एयर भी तो है इधर, हवा में, हवा तो है, हाँ ठीक है। तो अपन इस पे पॉइंट डिलीवर कर सकते हैं, लिख सकते हैं पॉइंट, क्या लिख सकते हैं, ओपनिंग पॉइंट, कि इन फिगर ए, इसको नाम दे देते हैं फिगर ए, इन फिगर ए कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन लोटस लीफ एंड वाटर ड्रॉप इज शॉन। लिख लो, तो दिख तो रहा है पॉइंट, लिख लो। इन फिगर कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन लोटस लीफ एंड वाटर इज शॉन, ठीक है। वन मोर पॉइंट, दिस कॉन्टैक्ट एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, हियर कॉन्टैक्ट एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा क्यों? तो क्यों के लिए यहां पे हम टाइटल लगा दे, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो अब यहां पे पूरा मामला आपको समझाता हूं, देखो कैसे समझेंगे। मटेरियल तीन टाइप का यूज हुआ यहां पे, कौन कौन सा? एक तो लिक्विड, ये सॉलिड, और ये आसपास का सराउंडिंग एयर। थ्री मटेरियल्स आर राइट नाउ हियर, ओके। इन मटेरियल्स के बीच में वो कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस सब पढ़े थे ना पिछले लेक्चर में, हाँ, उनके अकॉर्डिंग सरफेस टेंशन के फोर्स लगते हैं। इन तीनों मटेरियल में से हर दो के बीच में, इन दोनों के बीच में सरफेस टेंशन है,
इन दोनों के बीच में है, फिर इन दोनों के बीच में है, सबके बीच में सरफेस टेंशन के फोर्स लग रहे हैं। कौन सा फोर्स किधर लग रहा है तो ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपके लिए, शायद पहली बार है ये फोर्सेस, तो थोड़ा ध्यान लगाओ। देखो ये जो है ना फोर्स, ये वाला, ये तो सॉलिड सरफेस है ना, और इधर क्या है, हवा इसको छू रही है, तो एयर। हाँ, तो दिस सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड एयर, इधर। ओके, फिर तो इधर इधर है ना, सॉलिड सरफेस तो है ही, और ये कौन है, लिक्विड है, लिक्विड के बीच में सरफेस टेंशन, ठीक है। फिर ये वाला किसके बीच में, तो अब रह कौन गया, सॉलिड सरफेस और एयर आ गया, सॉलिड सरफेस और लिक्विड आ गया, तो अब एयर और लिक्विड रह गया ना। हाँ, तो लिक्विड और एयर के बीच में यहाँ से लग रहा है ये डायरेक्शन में टेंजेंशियल, ठीक है, तीनों फोर्स हो गए। अब भैया ये वाला जो फोर्स दिख रहा है ना रेड कलर का, इसका दो कंपोनेंट बनेगा क्योंकि ये टेढ़ा है, देखो, तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, लेकिन ये वाला कंपोनेंट यूज़ में नहीं लेना है क्योंकि इसके अगेंस्ट इधर सामने कुछ है नहीं, नीचे की तरफ कोई फोर्स है नहीं, अभी दिख नहीं रहे, तो जाने दो इसको, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना बनेगा, क्योंकि ये समझो आप, ये आपका फोर्स है रेड कलर का ऐसे, SLA, तो ये उसका कंपोनेंट है, तो ये क्या बनेगा, SLA का कॉस कंपोनेंट बनेगा ना, लेकिन एंगल कितना, तो ये एंगल जो होगा वो होगा 180 माइनस थीटा, क्या होगा, 180 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा SLA का कॉस 180 माइनस थीटा कंपोनेंट, डन, ठीक है। चलो, फोर्स के बारे में आपको बता दिया, सरफेस टेंशन के फोर्स सरफेस को पैरेलल लगते हैं ना, तो थोड़ा अंदर जाके सोच, सरफेस के पैरेलल ये सारे डायरेक्शन दिखेंगे, कंफर्म दिखेंगे, नहीं दिखते तो लिखो कमेंट में, तो फिर और अगले वीडियो में ध्यान रखूंगा कि ये डायरेक्शन आपको सिखाई जाए, लेकिन अपने आप से आ जाते तो बेटर है, ठीक है। सरफेस टेंशन के फोर्स सरफेस को पैरेलल लगते ही हम जानते हैं, ओके। चलो, तो ये इतना 1 2 3, ये तीनों फोर्स मिलके इसको बैलेंस कर रहा है। एक काम करो, पहले इन तीनों फोर्स का लिस्ट तो बना दो। यस, क्या लिखेंगे कि हियर फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन आर एज बिलो, हियर फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन आर एज बिलो, पहला लिख दो एस एस ए, फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड एयर, यस, दूसरा लिख दो एस एस एल, फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, तीजा एस एल ए, फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड एयर, ओके, ठीक है। चलो, तीनों फोर्स का लिस्ट कर दिया। अब देखो भाई साहब, जब ऑब्जेक्ट पे दो दो तीन तीन फोर्स लग रहे हैं, इधर उसे उधर खींचम खांची हो रही है, ये दोनों फोर्स इधर खींच रहे हैं, ये वाला फोर्स इधर खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका शेप बिगड़ेगा, यही शेप नहीं रहेगा। और आप मानते हो कि नहीं सर, यही शेप में रखना है, तो फिर ये सारा फोर्स इक्वल होगा, ये जो इधर से खींच रहा है और वो दो जना जो उधर से खींच रहा है, ये ब्लैक और ग्रीन, हाँ, तो सारा फोर्स इक्वल होगा ना, तो इसका ये शेप मेंटेन होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसी शेप में एग्जैक्टली हम काम कर रहे हैं, तो ये सारा इक्विलिब्रियम होगा, है ना। तो लिखो, इन इक्विलिब्रियम, आपको क्या पढ़ाने की कोशिश करो, आप समझ रहे हो, मैं ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल क्यों है उस पर बात कर रहा हूँ, आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि एंगल इतना बड़ा 90 से बड़ा क्यों बना, उस पर अभी हम लोग मैथमेटिकल व्यू बना रहे हैं अपना। चलो, इक्विलिब्रियम में क्या होगा भाई, ये दोनों और ये सामने आ जाएंगे, ये क्या है, एस एल ए का कॉस 180 माइनस थीटा प्लस ये क्या है एस एस ए, और इधर अपोजिट में कौन है, एस एस एल, यस। अब ये कॉस 180 माइनस थीटा मीन्स क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो एस एल ए माइनस कॉस थीटा प्लस एस एस ए
एस एस एल, अब इसको उधर डाल दो, इसको इधर डाल दो, तो एस एस, रुको रे लिखना अच्छे से, एस एस ए माइनस एस एस एल इज इक्वल्स टू एस एल ए कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा को बना दो हीरो, तो ये नीचे गया, एस एस ए माइनस एस एस एल अपॉन एस एल ए, ओके। अब इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये जो है ना एस एस ए माइनस एस एस एल, इसमें ये जो अपना एस एस एल है, एस एस एल मतलब फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब इसकी बात है, ये वाला फोर्स है ना ये बड़ा होता है इस मामलों में, इस मटेरियल में ये बड़ा होता है, एस एस एल इज ग्रेटर देन एस एस ए। अब ये बड़ा होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा भाई, ये बड़ा होगा और माइनस है तो आंसर नेगेटिव कर देगा। अब कॉस का आंसर नेगेटिव आएगा तो ऑब्वियसली थीटा इज ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, तो हो गया ना प्रूफ, ऑब्ट्यूस एंगल। सर ऐसे कैसे 90 से बड़ा हो गया, रुक देख, कॉस का वैल्यू जानते हैं, ये यूनिट सर्कल तो पढ़ा होगा साइंस रखे हो तो, ये 0 से 90 तक में कॉस की कोई भी वैल्यू हो पॉजिटिव रहती है, ओके। लेकिन जब 90 से बड़ा एंगल चला जाए तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव, 180 तक की बात है, हाँ। तो देख कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है जब आपका एंगल 90 से बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी इसकी वजह से, दैट्स वाई एंगल विल बी ग्रेटर देन 90, सो इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। बोलो आया मामला पूरा का पूरा समझ में, तो फिर यार अब थोड़ा इसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं, थियरी से रिलेटेड ही है, आपको ये तो पक्का हो गया कि ऑब्ट्यूस एंगल क्यों बन रहा है, तो क्लियर है ना। अब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन अच्छी वाली, कि बहुत से ऐसे लिक्विड है और बहुत से ऐसे सॉलिड सरफेस है जिनके बीच में ये एंगल ऑब्ट्यूस बनता है, 90 से बड़ा बनता है, उन सारे लिक्विड और सॉलिड के बीच में कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो एज इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, क्या कॉमन चीज़ें हैं। सबसे पहली कॉमन चीज़ देखो, कि जब भी ऑब्ट्यूस एंगल वाले मटेरियल मिलेंगे, लिक्विड एंड सॉलिड जिनके बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बनता है वो मिलेंगे, तब वो उसको भिगोएगा नहीं, बिल्कुल नहीं भिगोएगा, हाँ। दूजा, कि जो भी ये मटेरियल है, जैसे लोटस का लीफ है, इस लोटस लीफ की आप एक कैपिलरी ट्यूब बना दो, कैपिलरी ट्यूब मतलब बहुत पतली नली, अपने इस बाल जितनी पतली नली, हाँ, वो पतली नली बना दो लोटस की, और उसको पानी उसके अंदर डालो, मतलब पानी की, रुक नहीं समझाना, देख बताता रुक, जैसे ये रहा पानी का एक बीकर है, बहुत धांसू पॉइंट है इसलिए एक रफ ड्राइंग दे रहा हूँ, ये वाटर बीकर है, ठीक है, यहाँ पे एक लोटस लीफ का नली बनाया अपन ने, तो लोटस लीफ का नली है और अंदर क्या ले रहे अपन, वाटर, तो हम पहले से जानते हैं कि लोटस और वाटर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ऐसे ऐसे नीचे बैठ जाएगा, देखो ये साइड लेवल देखो और नली के अंदर का लेवल देखो, बैठ गया ना नीचे, और मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बाहर से गोल ऐसा, और इसको भिगोएगा भी नहीं। तो तीन पॉइंट यहाँ पे धांसू लिखने वाले बनते हैं, क्या, पहला तो भिगाता नहीं है, मतलब डज नॉट वेट, दूसरा पॉइंट लिक्विड फॉल डाउन नीचे उतरता है, और थर्ड कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, मेनिस्कस मतलब ये इंटरफेस रेस का, हाँ, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, यस। ये थ्री पॉइंट्स आर वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे एग्जाम में, कि जिन दो मटेरियल के बीच में, लिक्विड और सॉलिड के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, उनका ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए कि भाई सॉलिड की नली बनाई जाए और वो लिक्विड को अंदर भरा जाए, तो वो लिक्विड नीचे बैठेगा और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा और उसको भिगोएगा ही नहीं। समझा कि नहीं समझा, समझा, ऐसे बहुत से एग्जांपल है दूँ, जैसे देख मैं लिख रहा नहीं हूँ, अब लिखना आपको एग्जांपल टेक्स्ट बुक में से देख के, एग्जांपल में जैसे देखो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी वाटर की जगह पे मर्क्यूरी ले लो, फिर आप कोई भी मटेरियल ले लो, लोटस ले लो, ग्लास ले लो, सरफेस ले लो, कुछ भी प्लास्टिक का सरफेस ले लो, मर्क्यूरी का सबके साथ ऑब्ट्यूस ही बनता है, मर्क्यूरी किसी को भिगोता ही नहीं है, उसका सरफेस टेंशन ही इतना होता है कि खुद के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के ही रखता है, छूटने ही नहीं देता है,
जान ही नहीं देता मॉलिक्यूल को कि तू किसी को भिगो के आ जा, सबको पकड़ के रखता है मर्क्यूरी। इसका मॉलिक्यूलर इंटरनल कोहेसिव फोर्स बहुत तगड़ा होता है, इसलिए मर्क्यूरी किसी को भिगोता नहीं है, सबके साथ अपना ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है और मर्क्यूरी हमेशा नीचे उतर जाता है ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर। हाँ, पर ऐसा ही सिचुएशन जैसे वैक्स लगाया है सरफेस पे और आप पानी डालो तो उधर भी ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। फिर लोटस वाटर, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, जस्ट रीड द टेक्स्ट बुक वंस। ओके, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये हो गया डन। ऑब्ट्यूस एंगल पे मुझे नहीं लगता आपको कहीं और सर्च करना पड़ेगा कुछ। अब थोड़ा ये डायरेक्शन के लिए इमेजिनेशन लगाना है ना, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब दूजा पढ़ते हैं, अक्यूट एंगल। ओके, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। चलो अब ये सारा मिटाए नहीं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स रिपीट करने हैं, तो वापस कौन लिखेगा, चलो टाइम बचेगा उतना। ये रहा आपका सॉलिड सरफेस, ये रहा लिक्विड, ठीक है। देख लो एंगल कहाँ बन रहा है, ये टेंजेंट बनाया तो बन गया एंगल, अंदर दिख रहा है, ये रहा थीटा। कौन ये कौन कौन किधर है, तो भाई सब पता ही अपने को। ये है अपना सॉलिड, सॉलिड में कौन है इस बार, प्लास्टिक का प्लेट ले लो, प्लास्टिक प्लेट, एकदम क्लीन प्लेट चाहिए, यहाँ डस्ट वाला नहीं चाहिए। ये कौन है, वाटर। पिछली बार लोटस का लीफ लिया था, इस बार प्लास्टिक का प्लेट ले रहे हैं, हाँ क्योंकि प्लास्टिक और वाटर के बीच में छोटा एंगल बनता है 90 से। हाँ, वो फोर्सेस लिख लो अपने हिसाब, पहले तो इसको बोल दो ये क्या है अपना फिगर बी। ये सारा मीटा है नहीं, उनकी कंपैरिजन करना है पढ़ते वक्त, इसलिए रखा है। अब फोर्स ले लो, ये इधर वाला था ना एस एस ए और इधर वाला था एस एस एल। हाँ, सॉलिड एयर सॉलिड लिक्विड यही निपट गया। अब ये कौन बच गया, लिक्विड और एयर, ठीक है। अब ये फिर से टेढ़ा है तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट ऐसा बना दे भैया यूँ और एक ये वाला बना दे। ये वाला तो चाहिए नहीं अपने को अभी, तो इस पर फोकस करो। ये किसका है, एस एल ए का कॉस कंपोनेंट, यस बन गया ड्राइंग। अब सारे पॉइंट्स वही है, चलो देखो आ जाओ, कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं पेन लेके खड़ा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इन फिगर कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन प्लास्टिक प्लेट, क्लीन प्लास्टिक प्लेट है एकदम स्वच्छ प्लास्टिक प्लेट एंड वाटर इज शोन, हेयर कॉन्टैक्ट एंगल इज अक्यूट, हाँ ऑब्ट्यूस नहीं है, अक्यूट एंगल। लेकिन अक्यूट एंगल क्यों है तो उसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे। ये सारे पॉइंट्स तो ऐसे ही आएंगे, इन सब का नाम लिखना है अपने को, ठीक है। ओके, अब यहाँ से इक्विलिब्रियम में ये सारे फोर्स एक दूसरे को इक्वल कर देंगे, मतलब ये दोनों फोर्स और ये, तो चलो बैठ जाते भैया। जितना टाइम वो समझाने में लगा इसमें नहीं लगेगा क्योंकि रिपीटेशन है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस है। ये दोनों प्लस कर लो, एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल, और ये ले लो एस एस ए एस एल ए कॉस थीटा, इसको उड़ा के उधर डाल दो। अब कॉस थीटा को सब्जेक्ट रखो, इसको नीचे डाल दो। ओके ठीक है, अब देखो इस बार क्या होता है, मामला उससे थोड़ा सा उल्टा है। ये है ना छोटा होता है, हाँ एस एस एल इज लेस देन एस एस ए। अब ये छोटा है तो ऑब्वियसली इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, पिछली बार ये बड़ा था तो आंसर नेगेटिव आया था, हाँ इस बार आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। सो कॉस थीटा पॉजिटिव, अब कॉस थीटा पॉजिटिव है तो थीटा इज लेस देन 90, दैट्स वाई अक्यूट एंगल। बोल हो गया प्रूव, बे यार छोटे बच्चे जैसा थियरी है, तो थोड़ा यहाँ पे डायरेक्शन आपको इमेजिनेशन करना है, आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ। हाँ, अब ये सारा इंफॉर्मेशन भी रिपीट करते हैं, चलो, कि ऐसे मटेरियल्स, लिक्विड और सॉलिड ऐसे मटेरियल्स जिनके बीच में अक्यूट एंगल बनता है तब मामला भीगने वाला होता है। लिक्विड है ना उस सॉलिड को भिगोता है, यस। तो जो डज नॉट वेट लिखा था ना, तो लिख दो लिक्विड वेट द सॉलिड, लिक्विड वेट द सॉलिड हो गया। फिर जो पिछली बार ऑब्ट्यूस एंगल में फॉल डाउन वाला मामला था, इस बार राइजेस अप, ये ऊपर चढ़ेगा, हाँ मामला ऐसे ऊपर चढ़ेगा और यूं कॉनकेव मेनिस्कस बनाएगा। इस बार जो कॉन्वेक्स था ना वो क्या बन जाएगा, कॉनकेव,
और फॉल डाउन की जगह क्या आ जाएगा, राइजेज अप, क्लियर। और ये लोटस नहीं है, प्लास्टिक है इस बार। बोल भाई आया मजा, प्लास्टिक इन वाटर कैसा लगा? पूरा वही थियरी फिर से छाप मारा ना, चल स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया एकदम पक्का, तो आपका एग्जाम ओरिएंटेड आपको इतना लिखना है। अब एग्जाम ओरिएंटेड के अलावा सोहम बाबा के वीडियो पे आया है तो कुछ तो अलग लेके जाएगा, है ना? तो चल कुछ अलग देता हूँ, ये याद रहेगा ना मामला, तो अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो हम ये वीडियो मिटा रहा हूँ तो थोड़ी देर पॉज कर दो। ओके बच्चा पार्टी, चलो आ जाओ। सोहम बाबा का एक्स्ट्रा ज्ञान देखो, ये रहा लिक्विड, ये रहा बीकर, इधर भी ले लो भैया, 3 बीकर्स लेता हूँ, मामला धांसू समझेंगे हम। इसमें पूरा ड्राइंग करेंगे अक्यूट एंगल का, ठीक है? इसमें ड्राइंग करेंगे अब्ट्यूस एंगल, इसमें ड्राइंग करेंगे हम 90 डिग्री वाला, थोड़ा एक्स्ट्रा लेते जा मजे कर। चलो इन तीनों में ना मटेरियल डाल देते हैं। नहीं पहले तो वो कैपिलरी ट्यूब ऐसे बहुत पतली होती है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए ब्रॉड करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा देखो कैपिलरी ट्यूब, इसमें भी देखो ये रहा कैपिलरी ट्यूब, दिस इज ऑल्सो कैपिलरी ट्यूब। ओके डन। मटेरियल क्या क्या है तो बता देता हूँ। इसमें जो कैपिलरी ट्यूब है वो है आपका ग्लास प्लेट, और ये जो लिक्विड आप अंदर डाले हो, रुको, ये जो लिक्विड आपने लिया है वो वाटर है, क्या है? पानी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये क्या है? ये ग्लास प्लेट ही है, लेकिन मटेरियल जो लिए है वो मर्क्यूरी लेते हैं। चलो क्या मटेरियल लिया भाई? मर्क्यूरी। एंगल अंदर जाके ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा। हाँ, फिर इस बार जो मटेरियल लिया वो पानी लेते हैं, क्लीन एकदम स्वच्छ पानी लेना है भाई, वाटर। और ये जो मटेरियल है सिल्वर का प्लेट ले लेते हैं, सिल्वर प्लेट और वाटर के बीच में 90 डिग्री बनता है भाई साहब। हाँ चलो, अब देखो अभी तो ड्राइंग पक्का नहीं बनाया मैंने, कच्चा कच्चा बनाया, पक्का आपसे बनवाऊंगा। देखो कैसे, आपको मामला तो याद है ना कि अब्ट्यूस एंगल में नीचे उतरता है, अक्यूट एंगल में ऊपर चढ़ता है, तो नीचे उतरना और ऊपर चढ़ने वाला ड्राइंग बनाते हैं। देखो ये नीचे उतरेगा ना तो अंदर कैपिलरी के अंदर ड्राइंग ऐसा हो जाएगा आपका, ये नीचे उतर गया, देखो दिख रहा है, ये साइड वाले लेवल से नीचे उतरा कि नहीं? हाँ, और देखो कॉन्वेक्स भी है तो फॉल डाउन भी दिख रहा है अपने को, प्लस कॉन्वेक्स भी दिख रहा है, बोलो है कि नहीं? एंगल कहाँ बनेगा सर? अरे बना रहा हूँ, शांति रख शांति रख। अब इसमें अक्यूट में ऊपर चढ़ना है तो चलो चढ़ाओ इसको ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना, सर पे चढ़ जाएगा। हाँ बन गया, देखो तो इसमें दिखा ना, राइजेज अप कॉनकेव, दिखा कि नहीं? यस, इसमें ना तो अप ना डाउन, ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स, फ्लैट। ओके चलो, अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अपने को डेफिनेशन याद है ना, लिक्विड और सॉलिड का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां से एक टेंजेंट बनाओ लिक्विड के सरफेस पे। तो देखो जैसे इसमें ये रहा कॉन्टैक्ट पॉइंट, लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट बनाया, दिखा। अब रुको, ट्यूब थोड़ा अंदर तक बनाओ यूं। अब लिक्विड के साथ सॉलिड की दो सरफेस है, कौन सी? एक तो देखो ये बाहर वाली, यहाँ पे लिक्विड नहीं है, और एक अंदर वाली, यहाँ पे लिक्विड है, तो अंदर की तरफ एंगल बनाना है ना। हाँ तो बन गया ना 90 से बड़ा एंगल, बना कि नहीं? तो फिर यार इसमें भी देख, कॉन्टैक्ट पॉइंट ये रहा तो टेंजेंट यहाँ से बनाओ, बन गया। हाँ अब अंदर की तरफ एंगल बनाना है, ये रहा थीटा, बोलो क्लियर है? फिर इसमें आ जाओ, कॉन्टैक्ट पॉइंट ये रहा, सरफेस पे टेंजेंट बनाना है तो बन गया टेंजेंट, ये लो, और अंदर की तरफ
एंगल बनाना है, बन गया 90। देखो अब क्या, अब इतना सारा ज्ञान दे दिया, स्क्रीनशॉट ले ले, दासू ड्राइंग है पूरा पकड़ समझ के करना है। अब देखो अक्यूट अब्ट्यूस 90 सिखाया, जीरो वाला भी है मामला, लेकिन सारा ज्ञान आज ही दे दूंगा तो तू अगली बार आएगा नहीं मेरे वीडियो पे, है ना। तो जीरो वाला जो एंगल है वो अगले बबल या तो कैपिलरी लेक्चर के अंदर कहीं ना कहीं डालूंगा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ दो लेक्चर आएंगे ऑलमोस्ट और चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। ओके, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बाय।